उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक व्यक्ति द्वारा कर्ज के बोझ तले दबे होने के चलते आत्महत्या कर अपनी जान गंवा दी। मृतक के कपड़ों से पुलिस को एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें उसने आत्महत्या करने का पूरा हवाला दिया है। फिलहाल पुलिस की ओर से मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। रामपुर के थाना मिलक क्षेत्र में रोहित गुप्ता नाम का व्यक्ति अपने परिवार सहित रहा करता था। उसने अपनी किसी जरूरत को पूरा करने के लिए कुछ लोगों से ब्याज पर पैसे ले लिए, जिसकी अदायगी वे वक्त पर ना कर सका और इसके चलते उसे अपना मकान भी गिरवी रखना पड़ गया। वे कर्ज देने वालों से कुछ मोहलत लेने के बाद ली गई रकम और ब्याज की अदायगी करने की विनती करता रहा, लेकिन कर्ज देने वाले लोगों ने उस पर और उसकी हालत पर जरा भी रहम नहीं खाया। ये सिलसिला यही नहीं रुका। बीते दिन कर्ज देने वाले कुछ लोग उसके घर पर आ गए और पीड़ित रोहित गुप्ता पर कर्ज की रकम वापस करने का दबाव बनाया। सुनाते थे कभी किसी भी टाइम फोन करते रहते थे, दुकान पर आगे उल्टा सीधा बक के जाते, ब्याज पे पैसा दे रखा था, बहुत परेशान कर रखा था सबको। मकान भी नाम पे करवा रखा था अपना, खूब गाली देते, 10% पे बहुत साथ 10% ब्याज पे ले रखा था पैसा, घर आके दुखी करते थे सब, बहुत ही प्रेशर बना रखा, सबसे ज्यादा ब्याज पहुंच चुका है। कौन कौन लोग हैं? एक तो बुड्ढे है और एक कोई सुरेश है, ये दो जन। क्या क्या कहते थे ये लोग? ये लोग फोन करते थे सब और खूब उल्टी सीधी सुनाते, 11-11 बजे फोन आता था सुरेश जो है उनका, तो सबका बहुत, और खूब उल्टी सीधी सुनाते थे और गोली मार दूंगा और तुम मर जा, नहीं पैसे दे पा रही तो तुझे मैं मार दूंगा, तू नहीं मरेगा तो तुम मजबूर कर दिया उन्होंने। आज क्या हुआ? आज ने यहाँ से गए थे, रात फोन आया था और एक कोई सुरेश था वो धमका के गए थे कि पैसे दो हमारे, नहीं तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, पैसे नहीं देगा तो या तो तू रहेगा या फिर पैसे दे हमारे। क्या क्या कार्रवाई हुई है? यहाँ से दुकान से वो गए हैं तो या तो कोई ना कोई आया है इनको धमका के गया कोई, क्योंकि ये काम तो कर ही नहीं सकते किसी कीमत पे भी, बहुत डरते हैं इन सब बातों से, जबरदस्ती किसी ने पिलाया मेरे, ये नहीं कर सकते बिल्कुल भी, इन्हें मारा गया है इन्हें मांगे। कितने कितने बच्चे हैं? मेरे दो बच्चे छोटे छोटे बहुत। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के कपड़ों की तलाशी ली, जिसमें आत्महत्या करने के कारणों और कर्ज देने वाले दबंगों से संबंधित सारी घटना का सुसाइड नोट पुलिस द्वारा बरामद किया गया। मृतक की पत्नी की ओर से आत्महत्या करने के लिए उकसाने के मामले में 4 दबंगों के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। थाना मिलक क्षेत्र की एक महिला ने थाने पर तहरीर दी। कल उसके घर पर 4 लोग आए थे और उसके पति पर उधार वापस करने के लिए दबाव बना रहे थे और उधार ना वापस करने पर जान से मारने की धमकी भी देकर गए थे। इन्हीं से परेशान होकर उसके पति ने आत्महत्या कर ली है। उसकी तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। जो मृत व्यक्ति हैं उसके जेब से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। शीघ्र ही इन 4 व्यक्ति की पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की जाएगी और आगे की कार्रवाई। न्यूज़ डेस्क INN।